प्यारे दोस्तों, ओलंपिक गोल्ड मेडल तो नहीं मिल सका, लेकिन ये हमारे हैदराबाद की बेटी पीवी सिंधु ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन में, इसलिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और मैं हिंदुस्तान की बहुत सारी बेटियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पीवी सिंधु एक साधारण परिवार में पैदा लिए, लेकिन माता पिता के प्रोत्साहन के बल पर दिन रात कठोर मेहनत के और फुलेरा चंद गोपी चंद के संरक्षण में दुनिया को चुनौती देने के लिए हमारी बेटी आगे आई, आज भारत का झंडा फहराया, भारत का नाम रोशन किया है। तो इसे उदाहरण लेते हुए हमारे जितनी भी बेटियां हैं, वो भी कमर कस के मैदान में झांसी की रानी की तरह कूद जाएं और भारत का गौरवशाली जो भविष्य है उसको संरक्षित करें। ये महानता किसी की धरोहर नहीं होती है। मैं तो खुद फकीर योगी वीरेंद्र योगी सत्य पर चलता हूँ, सफलता की हर कुंजी को साथ में लेके चलता हूँ। इसीलिए मैं सबों को निमंत्रित करता हूँ, आप जिस क्षेत्र में भी हो, वैज्ञानिक हो, कलाकार हो, लेखक हो और राजनीति में हो, ईमानदारी के पथ पर चलो। अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ हुए, न कभी रुको, न कभी थको, न कभी मुरो, यही है सफलता की कुंजी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। तेरा मन दर्पण कहलाए, आत्मविश्वास की भावना से प्रेरित होते, एक लव की तरह अगर दुनिया में कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे तो खुद का साथ दो, और दूसरे के भरोसे जो रहोगे कभी सफल नहीं हो पाओगे। फुलेरा गोपी चंद पीवी सिंधु को ट्रेनिंग दिया, लेकिन ट्रेनिंग से ज्यादा खुद को ट्रेन किया पीवी सिंधु। और घबराना नहीं, किसी को सफल होते देख के परेशान मत होना, उसका कीमत चुकाने के लिए आगे बढ़ो। तुम कम है क्या, दम है क्या, मन के हारे हार है मन के जीते, जिन खो जाती पाइया गहरे पानी पैठ। डरो मत, निर्भीकता से आगे बढ़ो, बड़े बड़े सपने देखो, मनोरथ पूरा होगा। उद्यम करो, उद्यम करो मेरे भाई, उद्यम से ही सारे कार्यों की सिद्धि होती है। करके विधिवाद न खेद करो, इस लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता अवश्य उद्यम ही विधि है, मिलती जिसे सुख की निधि है। समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, न रहो निराश करो मन, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो, या जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयोग करो मन को, अपने आप को कीड़े मकोड़े मत समझो। जो पीवी सिंधु में भारत माता की बेटी में खून है, वही तुम में है, वही हवा तुम सांस लेते हो, वही दाना पानी खाते हो, लेकिन जो खून पसीना उसने बहाया, जो सपने देखे, जिसकी कल्पना की, उसी से वो सफल हुआ। सानिया मिर्जा भी हैदराबाद से ही थी, उन्होंने भी कुछ कर दिखाया है, कुछ कमी है, सहयोग की कमी है, इसीलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब वो ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं और गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पीठ थपथपाते हैं, लेकिन उन बच्चों को जो होनहार हैं उन पर क्या तुम्हारा ध्यान है, क्या उनको तुम समर्थन दे रहे हो? अरे यहाँ समर्थन की भी कमी है। जो भी बच्चा यहाँ सफल हुआ है उसके माता पिता के सहयोग से हुआ है। जब सूरज उगता है तो ताली बजाते हो, लेकिन रात में जब सूरज कहीं छिपा होता है तो कहाँ सोए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? अरे खोजो टैलेंट्स को, खोजो होनहार बच्चों को और उनको समर्थन दो। मैं ही भुक्त भोगी हूँ, मेरी बच्ची विष्णु विशेष विंबलडन जीतना चाहती थी, दुर्भाग्य था किसी ने साथ नहीं दिया। एक महापुरुष मानव रत्न पद्मभूषण डॉक्टर जी वी कृष्णा सामने आए, समर्थन दिए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि ACL ब्रेक हुआ, वर्षों तक साधना तपस्या के बाद भी अभी ठीक नहीं हुआ है। तो क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि केवल माता पिता ही बच्चों को होनहार विंबलडन चैंपियन की रक्षा करें? कौन आया रे? कोई नहीं आया भाई। इसीलिए मेरी बेटी और बेटो, इस फकीर की बात सुनो, यदि तोर डाक सुने क्यों नासे, तबे एकला चलो रे, तबे एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, यदि तोर डाक सुने क्यों नासे, तबे एकला चलो रे।